जेरी एडवांस का 2009 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेट पीएक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीम एट एक्स इक्वल टू 1.2 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस पीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ पी 2 इज। देखो जब एक्सट्रीम कह रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 ठीक है, इसका मतलब पी डैश एक्स 0 है, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पे ठीक है। अब जो गिवन लिमिट है उसको डिकोड करते हैं, तो देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 प्लस px अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 1 को उस तरफ लेकर आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस 0 px अपॉन x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ठीक है, 1 को उधर लेकर आ गए तो 1 हो गया इस तरफ। अब इसको देखो 0 बाय 0 का फॉर्म होना चाहिए तब ये लिमिट डिफाइन होगा ठीक है, तो इसका मतलब पी 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहां से ये डिफाइन कर लिया ठीक। दूसरा अब एक बार डेरिवेटिव ले लो भैया, क्योंकि अब पी जीरो इक्वल टू 0 डिफाइन करना पड़ा, देखकर फॉर्म तो पी डैश एक्स अपॉन 2x ठीक। अब भी देखो लिमिट को डिफाइन ही होना पड़ेगा, इसको 1 आना है तो यहां तो 0 है डिनोमिनेटर, इसको भी 0 होना होगा, मतलब पी डैश एक्स पी डैश 0 इक्वल टू 0 होना होगा। इसका मतलब आप यहां से कंक्लूड कर लिए कि ये पी डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पे है ही, साथ में साथ 0 पर भी होना होगा तो ठीक है। अब इससे देखकर फॉर्म लिख लो, पी डैश एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सम कांस्टेंट के टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही फॉर्म बनेगा ठीक है पी डैश एक्स का। अब उसके बाद पी डैश एक्स आ गया, अब इसमें यहां सब्सटीट्यूट करो, यहीं सब्सटीट्यूट कर लो ये पी डैश एक्स, तो जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 ठीक है, और पी डैश एक्स जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स एक्स कट जाएगा के अपॉन 2 और यहां पे 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 2 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज के इक्वल टू 1 आ गया ठीक है। ये हमें पी डैश एक्स अब क्लियर कट हो गया कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होगा ठीक, ये आ गया पी डैश एक्स हमें। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पी 2 कह रहा है तो इसका मतलब पी डैश एक्स है तो पी एक्स निकाल लें, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा इसे लिख लें, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, अभी पी डैश एक्स ही लिखो, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब पी एक्स यहां से लिखो तो इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट आ जाएगा, एक्स टू दी 4 बाई 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब देखो पी 0 0 के बराबर, एक्स इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 0, तो ये कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है, तो ये 0 हटा देते हैं। अब पी एक्स ये बन गया, तो पी 2 निकालना है हमें, पी 2 सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा 16 बाई 4 जो कि 4 होगा माइनस 8 प्लस 4 ठीक, विच इज इक्वल टू 4 4 8 माइनस 8 0, तो पी 2 का वैल्यू कितना आया 0, तो ये इसका आंसर हुआ 0। तो इतना आसान क्वेश्चन था, बस सरते आपको गिवन जो कंडीशन था उससे आपको कंक्लूड करने आना चाहिए था ठीक है, यही दो कंडीशन हमने कंक्लूड किया इससे जो गिवन था।